एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जैक्टली हम सेम अप्रोच यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में की है। फंक्शन हमें क्या दिया गया है, एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 एन प्लस 3। तो वही करेंगे, y के इक्वल लेट करेंगे, बोथ साइड पे d/dx लेंगे, लेफ्ट साइड पे d/dx लेने से dy/dx बन जाएगा, राइट साइड पे ब्रैकेट लिख लेंगे, d/dx इस पूरी ब्रैकेट पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो d/dx x की पावर -3 पे लगेगा, फिर d/dx 2 इंटू एक्स की पावर -3/2 पे लगेगा, इसमें ऑब्वियसली 2 चूंकि कॉन्स्टेंट है तो वो d/dx से बाहर लिख लेंगे, एंड देन जो एंड में 3 है उस पर हम d/dx लगा देंगे। अब चूंकि 3 0 है तो इस पे इसका कोई आंसर नहीं होगा, मतलब ये इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, एक्स ही नहीं है, तो इसका आंसर जी आएगा, यानी d/dx ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होता है, -3 पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, लिख लेते हैं। अब पावर में से एक माइनस करते हैं तो -3 -1 लिख देंगे, फिर प्लस 2 है लिखेंगे, अगेन एक ब्रैकेट लिख लेते हैं आसानी के लिए, पावर क्या -3/2 तो -3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन एक्स की पावर -3/2 में से -1 कर देंगे, एन प्लस एंड में 3 का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है, वो 0 लिख लेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, d/dx किसके इक्वल आ जाएगा, -3 थी पावर, -1 हमने की तो x की पावर -4 हो जाएगी, फिर एक माइनस अंदर है 3/2 के साथ, बाहर प्लस 2 है, वो उससे मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो माइनस आ जाएगा, 2 एक 3/2 के जो नीचे है वो 2, और जो बाहर 2 है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा -3, और जो x की पावर है -3/2। अगेन अब तक आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज़ आसान, आप एलसीएम ले सकते हो, ऑब्वियसली -3/2 -1 2 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 -3 -2 -5/2, लेकिन इसका शॉर्टकट जो मैंने यूज़ किया था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैंने कहा था माइनस तो आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, 3/2 + 1 है, 3/2 क्या होता है 1.5, यानी डेढ़ प्लस 1 ढाई क्या होता है 5 का हाफ, तो 5/2 सिंपल, तो -5/2 हमारी पावर आ जाएगी। अगेन आप इसको जैसे मर्जी याद कर लीजिए, इट्स ईजी। अब हमने दोनों में -3 कॉमन है तो -3 हम बाहर ले सकते हैं, सिंप्लीफाई है, आप करना चाहें कर लीजिए, बट आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ऊपर x की पावर -4 है वो नीचे आके +4 हो जाएगी, जो ऊपर -5/2 है वो नीचे आके 5/2 हो जाएगा। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।